हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शंस को कवर करेंगे जो कि कोडिंग टाइप है। ज़्यादातर कोडिंग टाइप हम लोगों ने इनइक्वालिटी वगैरह में करा है, लेकिन आज हम लोग डायरेक्शन में करेंगे। एंड ये मेंस स्पेशल है, मेंस का एग्ज़ाम है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका SBI में हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अपनी प्रिपरेशन जो है मेंस के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से करिए। एंड जिनका नहीं हुआ है उनके लिए अभी RRB है, तो आप RRB में अपना जो प्रिपरेशन है उसको वहाँ पर जाके दिखाइए कि आप उसको क्रैक करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी अच्छा रखा है। एंड इस क्वेश्चन का लेवल मतलब जो इंस्ट्रक्शन है वो तो अच्छे हैं, इसके जो क्वेश्चन हैं वो इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब काफ़ी आपका दिमाग खर्च होने वाला है उसमें। एंड देखो SBI का जो प्री आया था वही काफी अच्छे लेवल का आया था, तो आप मेंस की तो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करके जाइए, क्योंकि प्री से तो कुछ नहीं होता, हमें तो फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड जैसे कि जो आपकी कोडिंग वाली जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपने इनइक्वालिटी वगैरह को करा है एंड ब्लड रिलेशन को करा है, बट अभी डायरेक्शन को नहीं करा था, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन करेंगे। बिल्कुल मेंस बेस्ड है ये, आपका RRB के लिए भी, जो PO है उसके लिए भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हैश का मतलब नॉर्थ है, एट द रेट का मतलब साउथ है, परसेंटेज का मतलब ईस्ट है, डॉलर का मतलब वेस्ट है, प्लस का मतलब जो डिस्टेंस गिवन है आपका 4 या फिर 6 मीटर वो गिवन है, एंड का मतलब 3 या फिर 10 मीटर का डिस्टेंस आपका गिवन है। ए एट द रेट क्यू मतलब ए जो है वो साउथ में है क्यू के, क्योंकि एट द रेट का साइन जो गिवन है वो किस डायरेक्शन के लिए है, साउथ के लिए है। ए हैश गिवन है, तो हैश मतलब नॉर्थ, यानी कि ए जो है वो नॉर्थ में है, और नॉर्थ के संग जब डॉलर गिवन है तो डॉलर यानी कि वेस्ट में, तो यानी कि जो ए है वो क्यू की कैसे है आपका नॉर्थ वेस्ट में है, वो ये आपका गिवन है। यहाँ पे इन्होंने मतलब इसको लिख दिया है, ऐसी सेम आप इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब गिवन है कि कंडीशंस गिवन आर एस, यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन है। अच्छा, इसके पहले मैं एक बार ये वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस पे है। देखो ए डॉलर, तो ए डॉलर मतलब ए जो है वो वेस्ट में है किसके, क्यू के, एंड प्लस का साइन यहाँ पे गिवन है, तो प्लस का साइन गिवन है, तो यानी कि जो ए एंड क्यू का डिस्टेंस है वो या तो 4 मीटर है या फिर आपका 6 मीटर है, तो 4 मीटर है या फिर 6 मीटर आपका ए एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस है, और ए जो है वो क्यू के कैसे है आपका वेस्ट में है, राइट। अब हम करते हैं डायग्राम को जो कंडीशंस गिवन है उनके अकॉर्डिंग। फर्स्ट गिवन है ए डॉलर एंड बी, तो ए डॉलर, डॉलर मतलब नॉर्थ, तो ए जो है वो ये हैश था, तो ए हैश एंड बी, तो ए जो है वो नॉर्थ में है बी के, ओके। एंड ये जो एंड का गिवन है, एंड मतलब 3 और 10 मीटर, या तो ये 3 मीटर है या फिर 10 मीटर है। नेक्स्ट पर आते हैं, तो ए हैश डॉलर सी, तो ए हैश यानी कि ए जो है वो नॉर्थ में है, और नॉर्थ के संग डॉलर मतलब वेस्ट में है, तो यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट में है किसके, सी के। अगर मान लो यहाँ पे सी बीच में है और ये इसका आप देख सकते हैं डायरेक्शन है, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ओके। तो यानी कि जो ए है वो कहाँ है, वो यहां पर कहीं होगा नॉर्थ वेस्ट में, तो यहां पर कहीं होगा, तो इस हिसाब से जो सी है वो यहां कहीं आना चाहिए, बट हमें पता नहीं है अभी कितना डिस्टेंस होगा इनका, तो हम अभी सी को ऐसे ही लिख देते हैं, सिर्फ इसकी डायरेक्शन को दिखा देते हैं। देन सी परसेंटेज बी, सी जो है वो ईस्ट में है बी के, परसेंटेज मतलब ईस्ट, तो सी जो है वो आपका बी के ईस्ट में है, यानी कि जो इसकी लेंथ है इसको हमें अब बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के संग जो सी है वो कहां पर आ जाएगा, बी एंड सी वाली लाइन में आ जाएगा, मतलब बी आपका जो है सी के सामने आ जाएगा, बी की लाइन में आ जाएगा, राइट। इनके बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो अभी इसे हम छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं सी डॉलर प्लस टी, डॉलर मतलब वेस्ट और प्लस मतलब 4 और 6 मीटर, तो यानी कि जो सी है वो आपका वेस्ट में है डी के अकॉर्डिंग, या तो 4 मीटर या फिर 6 मीटर, तो डी कहीं यहां पर आएगा, या तो ये 4 होगा या फिर 6 होगा। उसके बाद गिवन है ई एट द रेट, तो एट द रेट मतलब साउथ में है, और 3 और 10 मीटर के डिस्टेंस में है डी के अकॉर्डिंग, तो ई जो है वो साउथ में है, या तो 3 मीटर है या फिर आपका 10 मीटर है, और ई यहां पर आ जाएगा। देन गिवन है एफ डॉलर प्लस ई, तो एफ जो है वो वेस्ट में है 4 और 6 मीटर के डिस्टेंस में है, तो एफ जो है वो वेस्ट में है 4 और 6 मीटर के डिस्टेंस में है, तो इसको हम कुछ इसी तरीके से यहां पे लिख लेते हैं। फिर गिवन है जी हैश प्लस ई, तो हैश मतलब नॉर्थ में है और 4 और 6 मीटर है, 4 और 6 मीटर है एफ के अकॉर्डिंग, तो यानी कि एफ के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ में है, या तो 4 मीटर है या फिर 6 मीटर है, ओके। ये है एफ। उसके बाद देखते हैं जी एट द रेट डॉलर सी, तो जी जो है वो यहाँ पे साउथ में है किसके, सी के, एंड साउथ के संग यहाँ पे डॉलर गिवन है यानी कि वेस्ट में, तो यानी कि साउथ वेस्ट में है जी, तो जी जो है वो इस तरफ कहीं पर आएगा।
अब देखो जो ये डिस्टेंस आपके गिवन है ना, जो कंफर्म नहीं है, इनको हमें कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जी को कैसे बैठाना है, सी के साउथ वेस्ट में बैठाना है। तो साउथ वेस्ट में हम कैसे बैठा सकते हैं, देखो मान लीजिए सी यहां पर है, जी यहां पर है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए एंड दूसरी जो ये वाली लेंथ है ये पता होनी चाहिए, तभी हम इस वाली जो आपकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, इसको हम पता कर सकते हैं जब हमें ये दोनों यहाँ पे पता होंगे। तो हम इन दोनों को यहाँ पे कंफर्म करते हैं। तो ये वाली जो लेंथ है ये कौन सी है, यहाँ पे ये है लेंथ आपकी ये वाली एंड ये वाली, और जो ये वाली लेंथ है ये कौन सी है, ये है आपकी यहां वाली लेंथ। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंफर्म करते हैं। देखो मान लो यहाँ पे जो डिस्टेंस है सी एंड डी का वो कितना है, 6 है। ये मैं मानने के लिए कह रही हूं कि आपको जो डिस्टेंस है यहाँ पे सी और डी का ये 6 है। तो 6 होने के संग आप देखेंगे जो एफ और ई का डिस्टेंस है, अगर हम इसको भी 6 लेते हैं तो यानी कि जो एफ है वो कहां पर आएगा, सी के बराबर से आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। और जब हम जी को यहां लेकर जाएंगे तो जी जो है वो सी के कैसे होगा, साउथ में आएगा, जबकि हमको क्या चाहिए, साउथ वेस्ट यानी कि इस तरफ चाहिए। और इस तरफ जाने के लिए यहाँ पे जो एफ और ई का डिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, ऊपर वाली लेंथ से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होना चाहिए तो इसके लिए हमें 6 से ज्यादा देना पड़ेगा, बट हम 6 से ज्यादा तो दे नहीं सकते, इस वजह से हम लोग यहां पे 6 नहीं देंगे। यहां पर हम क्या देंगे, यहां पर हम देंगे इसे 4। ओके, एंड 4 देने के साथ जो नीचे वाला डिस्टेंस है इसको हम कितना कर देंगे, इसको कर देंगे हम लोग 6, क्योंकि हम लोग जब इसको 6 करेंगे तभी आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ है आपकी F और E की, ये आपकी C एंड D से ज्यादा हो पाएगी। अब जब आप G को लेकर जाओगे ऊपर की तरफ यहां पे, तो G का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, G और F का, तो ये डिस्टेंस हो पाएगा आपका G एंड F का, कितना हो जाएगा ये होगा आपका या तो G एंड F के बीच में प्लस गिवन था, तो या तो 4 मीटर या फिर आपका 6 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4 मीटर या फिर 6 मीटर। अब आप देख सकते हैं जो जी है वो सी के कैसे आ रहा है, आपका साउथ वेस्ट में आ रहा है। यहाँ पे जो डायरेक्शन है इसको भी हम अभी डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ये आ जरूर रहा है लेकिन हम इसे एज्यूम कर रहे हैं कि ये आ रहा है। देखो अभी एक कॉन्सेप्ट और रह गया कि हमें जो इसकी ये वाली जो लेंथ है इसको भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे डी और ई का जो आपका डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। ओके, डी और ई का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे 3 मीटर है, तो डी एंड ई का डिस्टेंस 3 मीटर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जी और एफ का डिस्टेंस चाहे 4 मीटर हो चाहे 6 मीटर हो, आपका यहाँ पे डी और ई के अकॉर्डिंग कैसा चला जाएगा, इससे ऊपर चला जाएगा, यानी कि डी से ऊपर चला जाएगा, चाहे 4 हो चाहे 6 हो, क्योंकि दोनों ही 3 से बड़े हैं। और इस हिसाब से जो जी है उसकी डायरेक्शन सी के अकॉर्डिंग क्या होगी, आपकी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, जबकि हमको चाहिए साउथ वेस्ट। और इस वजह से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये वाली लेंथ है इसको हमें ज्यादा देना पड़ेगा, और ज्यादा देने के संग हम इसको क्या रखेंगे, डी और ई को रखेंगे 10 मीटर, और 10 मीटर रखेंगे तो अब जी जो है, जी और एफ का डिस्टेंस चाहे आप 4 मीटर लो चाहे 6 मीटर लो, दोनों ही कंडीशन में जो सी है वो कैसे आएगा, इसके साउथ वेस्ट में आएगा। तो अब हमने इसे बिल्कुल कंफर्म फाइंड करा है कि ये यहां पे कैसे आ रहा है, यहां पे इसके साउथ वेस्ट में आ रहा है। ओके, देन मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने के साथ देखते हैं इसके इंस्ट्रक्शन क्या गिवन है, एच डॉलर जी, तो डॉलर क्या गिवन है, वेस्ट, तो एच जो है वो जी की वेस्ट में गिवन है कहीं पर, एंड एच और जी इज इक्वल टू 3 मीटर, और एच और जी जो है वो कितना है, 3 मीटर है। बी हैश एच, बी हैश एच मतलब बी जो है वो कैसा है, नॉर्थ में है एच के, तो यानी कि बी और एच जो है वो सेम लाइन में होंगे। देन आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बी और सी का, तो बी एंड सी का जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करना है, तो इसको फाइंड कर लो, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 6, और यहाँ पे जो ये गिवन है कि कितना हो गया 3, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ये हो गया टोटल 9। टोटल 9 होने के संग जो सी और डी का डिस्टेंस है ये कितना है 4, तो यानी कि 4 माइनस कर दो कितना आ गया 5, यानी कि बी और सी का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा यहाँ पे 5, ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अ मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक 5 मीटर इन परसेंटेज डायरेक्शन, तो एक मैन जो है वो स्टार्ट करता है वॉक करना और 5 मीटर चलता है परसेंटेज डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में इस तरफ को चलेगा और 5 मीटर चलेगा। देन फिर गिवन है रीच पॉइंट जे, और कहां पहुंच जाता है आपका, जे पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो ये कहां पहुंच गया आपका, जे पॉइंट पर पहुंच गया। टर्न्स एट द रेट डायरेक्शन, फिर उस जो पर्सन जो चल रहा था जे पॉइंट से, फिर वो एट द रेट डायरेक्शन में, यानी कि आपका एट द रेट यानी कि साउथ डायरेक्शन में मूव करता है नीचे की तरफ, और 7 मीटर चलता है। 7 मीटर चलने के बाद वो कहां पहुंच जाता है आपका, जी के पास पहुंच जाता है। फिर गिवन है कि जे परसेंटेज, जे हैश जी, जे हैश जी मतलब जे जो है वो जी के कैसे है आपका, नॉर्थ में है,
राइट। तो ये इसके बिल्कुल नॉर्थ में है, यानी कि जो ये इन दोनों की लाइन है जे और जी की, ये बिल्कुल सेम रहेगी। देन व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स सी एंड ए, तो सी और ए का जो आपका डिस्टेंस है उसे फाइंड करना है। तो उसे फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए एंड जो ये वाली लेंथ है इसे इसका पता होना चाहिए। सो पहले हम किसका पता करते हैं, सबसे पहले हम लोग पता करते हैं ए एंड बी का। इसको बहुत ही ध्यान से देखना। देखो हमको ये पता है कि डी और ई का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर है। मैं इसको यहां पर ड्रॉ करके सिखाऊंगी कि डी और ई का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर है। ओके, जी जो है वो यहां पर कहीं है, या तो 4 मीटर या फिर 6 के गैप पर, राइट। अब मान लो कि बी और ए का जो गैप है वो कितना है आपका, 10 मीटर है। बी और ए का गैप कितना है, 10 मीटर है। तो जब यहां पे ये पर्सन 5 मीटर चला और 5 मीटर जे पर पहुंचने के बाद ये 7 मीटर चला, तो 7 मीटर तक जब ये चलेगा तो ये यहीं पर कहीं पहुंच पाएगा। जी कहां पर है, जी यहां पर है। जी कहीं 7 मीटर चलने पे सिर्फ ये यहीं पर पहुंच पाएगा, यहां पर पहुंच पाएगा। इसका मतलब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी ए एंड बी की, ये 10 मीटर नहीं होगी, क्योंकि अगर 10 मीटर होगी तो जी के पास तो ये पहुंच ही नहीं पाएगा ना, जबकि 7 मीटर चलने में ये जी के पास पहुंच जा रहा है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, यहां पर जो आपकी डिस्टेंस है ए एंड बी की ये कितनी होगी, 3 मीटर होगी। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कैसे, देखो यहां पे जब जे यहां से टर्न करता है तो ये 7 मीटर चलता है, 7 मीटर चलने के बाद ये 3 से बाहर निकल गया, 3 से बाहर निकलने के बाद ये यहां पे आके किससे मिला, जी से मिला। तो जी से मिलने के बाद यानी कि जब इसने 3 यहां पे कवर कर लिया, यानी कि बी को जब क्रॉस करा तो 3 इसने कवर करा, कितने बचे, 4 बचे। 4 बचने के बाद आप देख सकते हो यहां पे कि जब ये बाकी के 4 मीटर चलेगा तो मान लीजिए जी का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, यहां पे 6 होगा। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, यहां पे आपका 10 हो जाएगा। ओके, क्योंकि इन्होंने बताया है ना कि जे जो है वो जी से मिल गया, जे और जी के पास, मतलब जे से जो पर्सन चला वो जी के पास पहुंच गया 7 मीटर चलने पे। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब जी को 6 गिवन हो। ओके, क्योंकि यहां पे जो जे से पर्सन चला था वो खाली एक्स्ट्रा कितना चला है, 4 चला है। इसका मतलब यहां पे जो आपका डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस जो है वो ऐसे फाइंड करोगे कि यहां पे जो ए और बी है इसमें से 10 को हटा दोगे, 3 मीटर इसको मानोगे, और 3 मीटर मानने के साथ यहां पे जो 3 का स्क्वायर है वो लिख लो 9, और 9 के बाद बी एंड सी का डिस्टेंस फाइंड करो। तो बी एंड सी का डिस्टेंस यहां पे कितना होगा, देखो यहां जो ए से लेकर जे वाला जो पॉइंट है ये कितना है आपका, 5 है, यानी कि बी से लेकर जी तक ये कितना है आपका, 5 मीटर है। तो 5 मीटर तो ये हो गया। जी से लेकर सी तक कितना है, तो जी से लेकर सी तक फाइंड कर लो, ये जो आपका जी से लेकर आपका जो यहां पे ई तक गिवन है, यानी कि जो एफ से लेकर ई तक गिवन है या जी से लेकर ई तक गिवन है ये कितना है, ये है आपका 6। 6 में आपका सी से लेकर डी तक कहां कितना गिवन है, 4, यानी कि 6 में से 4 माइनस करोगे तो यहां पे आपका जो जी से लेकर सी का डिस्टेंस गिवन है वो कितना होगा, ये होगा आपका 2 मीटर। ओके, तो 2 मीटर होगा, 2 इसमें ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया यहां पे, 7 हो गया। तो 7 इसमें ऐड कर दो, 7 और 9 कितना हो गया यहां पे, सॉरी 7 हो गया, और 7 का यहां पे स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर लेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, 49, एंड 49 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा यहां पे, 58। तो एट द रेट 58 यहां पे करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि अगर आप इसके पेयर बनाने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे यहां पे 2 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 एंड 2 9 18। तो अगेन फिर ये कहां पे कटेगा ही नहीं, तो कटेगा नहीं, ये प्राइम नंबर हो गया, इस वजह से यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एट द रेट 58 अपना आंसर करेक्ट करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 5 होगा यहां पे करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। गिवन है बी हैश जी, तो बी हैश जी मतलब बी जो है वो जी की नॉर्थ में है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग पॉइंट्स बी एंड जी, तो आपको बताना है कि बी और जी के रिगार्डिंग यहां पे कौन सा पॉइंट जो है वो ट्रू है। तो अब इसको पता करो, यहां पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि जी जो है वो यहां पर आ रहा है, ये यहां पे ना आने की वजह जो एफ है वो यहां तक आ गया, और एफ जब यहां तक आ गया तो यहां पे जो जी है वो यहां पे आया, और इस हिसाब से जो बी है वो जी के कैसे है, नॉर्थ में है, 4 और 6 मीटर के डिस्टेंस में, राइट। अब जैसे ही आप देख सकते हो कि जब एफ जो है वो यहां तक आ गया तो बी एंड सी का डिस्टेंस कितना होगा, यहां पे 2 मीटर होगा। खैर अभी बी और सी की तो कोई बात ही नहीं हुई है तो इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन ये हमें कंफर्म हो गया कि यहां पे आपको कितना है, बी एंड सी कितना है, यहां पे 2 मीटर है। ओके, अब देखते हैं जी हैश एट जी हैश एंड बी, तो जी हैश एंड बी मतलब जी जो है वो नॉर्थ में है, एंड एंड का मतलब है यहां पे आपका
इधर 3 और 10 मीटर। तो जी जो है वो आपका कैसे है, नॉर्थ में है बी के। तो आप देखोगे जी जो है वो बी के नॉर्थ में नहीं है, जी जो है वो बी के कैसे है साउथ में है, इस वजह से फर्स्ट हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा। बी जो है वो जी के नॉर्थ में है और कितनी डिस्टेंस पे है, 3 और 10 मीटर। तो क्या बी जो है वो जी की 3 और 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो 3 और 10 मीटर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल देखो डी और ई का टोटल कितना है, 10 मीटर है। तो अगर यहाँ पे जी और एफ का यहाँ पे डिस्टेंस अगर 6 हुआ तो बी और जी का कितना डिस्टेंस होगा, 4। और अगर जी और एफ का यहाँ पे 4 हुआ तो बी और जी का डिस्टेंस होगा 6। तो यानी कि 3 और 10 तो किसी भी मतलब कंडीशन में नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पे 2 कट हो जाएगा। 3 देखोगे तो बी एट द रेट गिवन है कि बी जो है वो साउथ में है जी के, तो बी साउथ में नहीं है, जी साउथ में है, इस वजह से ऐसे हटा देंगे। देन जी जो है वो साउथ में है बी के, तो ठीक है पहला वाला तो जो सिंबल लगाया है वो ठीक है कि जी जो है वो बी की साउथ में है, एंड प्लस मतलब या तो 4 मीटर या फिर 6 मीटर। तो अभी हमने डिस्कस करा था 4 और 6 कैसे आ सकता है, उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे बी और जी का जो डिस्टेंस है वो आपका 4 या 6 हो सकता है। अगर जी और एफ का 4 हुआ तो बी और जी कितने होंगे, 6 मीटर के डिस्टेंस में हो गए, एंड इसको उल्टा कर दो, अगर जी और एफ 6 मीटर हुआ तो बी और जी यहां पे 4 मीटर के डिस्टेंस में होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा यहां पे करेक्ट आंसर, राइट। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेट पे, और ये जो सेट है ये उस वाले सेट से थोड़ा सा हाई है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे कवर करना है एंड एग्जाम में भी कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें शॉर्टकट मानने की कम सोचना, प्रॉब्लम हो सकती है, ओके, क्योंकि इसमें वैसे भी पहली बात कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जो कोडिंग गिवन है उस पूरे को पढ़ोगे, ड्रॉ पूरा करोगे, तो फिर शॉर्टकट क्या करोगे, ओके। खैर, गिवन है यहाँ पे सेम वैसे ही गिवन है, बस यहाँ पे जो डिस्टेंस के जो सिंबल है उन्हें बढ़ा दिया गया है। आपका यहाँ पे डॉलर का मतलब नॉर्थ है, एट द रेट का मतलब साउथ है, हैश मतलब ईस्ट, परसेंटेज मतलब वेस्ट, प्लस मतलब 3 और 8 मीटर का डिस्टेंस हो सकता है, एंड मतलब 4 या 9 मीटर का डिस्टेंस, और स्टार मतलब 1 और 6 मीटर का डिस्टेंस। बाकी ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन कर रहा है, मैं डायरेक्ट आपका डायग्राम पर आती हूँ। कह रहे हैं यहाँ पे ए परसेंटेज, ए जो परसेंटेज यानी कि ए जो है वो कैसे है, वेस्ट में है बी के, ओके, एंड प्लस गिवन है, तो यानी कि या तो ये 3 मीटर गिवन है या फिर 8 मीटर गिवन है, ओके okay? इसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे गिवन है ए डॉलर प्लस सी, तो डॉलर का क्या है यहाँ पे नॉर्थ, प्लस मतलब आपका यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पे जो ए है वो आपका कितने डिस्टेंस पे है सी के अकॉर्डिंग, ये है यहाँ पे आपका या तो 3 मीटर या फिर 8 मीटर। देन सी परसेंटेज एंड डी, सी परसेंटेज मतलब सी जो है वो वेस्ट में है और 4 और 9 मीटर के डिस्टेंस पे है डी से, तो सी जो है वो आपका 4 या फिर 9 मीटर के डिस्टेंस में है डी से। फिर कह रहे हैं ई एट द रेट एंड बी, तो ई एट द रेट एंड बी यानी कि ई जो है वो साउथ में है 4 या फिर 9 मीटर के डिस्टेंस पे बी के अकॉर्डिंग, तो ई यहाँ पे कितना है साउथ में है, तो अभी साउथ में पता नहीं है कि ये डी को कवर कर जाएगा या फिर इसके बाहर चला जाएगा, तो अभी हम इसको बस ऐसे ही लिख लेते हैं, बाकी आगे देखेंगे कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन्हें फिक्स करेंगे। कितना डिस्टेंस है इसका, 4 या फिर 9 मीटर। देन डी डॉलर, तो डी डॉलर का मतलब है नॉर्थ, डी जो है वो नॉर्थ में है किसके, एफ के, और यहाँ पे एफ के होने के साथ यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो कितनी होगी, 1 और 6 मीटर, या तो 1 मीटर की दूरी पर है या फिर 6 मीटर की दूरी पर है एफ से। फिर कह रहे हैं ई हैश एफ, ई जो है वो हैश मतलब ईस्ट में है एफ के, मतलब ई जो है वो यहाँ पे कहीं आएगा, तो ई जो है वो यहाँ पर आ रहा है हमारे बी के अकॉर्डिंग, और वैसे आना क्या चाहिए, मतलब डायग्राम आप ऐसा बनाइए कि ई जो है वो एफ के कैसे आए, यहाँ पर इसकी ईस्ट में आए। अब देखो यहाँ पे ईस्ट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने जो लेंथ ली थी ये यहाँ पे एफ इसके नीचे की तरफ क्यों चला गया, इसलिए चला गया क्योंकि हमने ये लेंथ जो है हमने ये लाइन ज्यादा बना दी, बड़ी बना दी, और ये लाइन हमने कम कर दी। अब हम लोग चलते हैं इसकी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग, ए और सी इसका डिस्टेंस हमें क्या रखना पड़ेगा, ये देखो ए और सी का डिस्टेंस जो है वो हमें बी एंड ई, बी एंड ई से हमें छोटा रखना पड़ेगा, लेकिन बी और ई से हम छोटा कैसे रख सकते हैं, देखो बी और सी से हम यहां पे ए और सी से हम बी और ई को कैसे छोटा रख सकते हैं, अगर हम यहां पे ए और सी को 3 मीटर देते हैं तो बी और ई को हमें यहां पे कितना देना होगा, 4 मीटर, क्योंकि यहां पे या तो 4 मिलेगा इन्हें या फिर 9 मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर ए और सी को हम 8 भी दे देते हैं तो बी और ई को हम क्या दे सकते हैं, यहां पे 9 दे सकते हैं, ओके okay? अगर यहां पे 3 आता है ए और सी का तो बी जो है बी और ई यहां पे 4 आ सकते हैं, ए और सी यहां पर 8 आते हैं तो बी और ई यहां पे 9 आ सकते हैं, राइट। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे क्या कह रहे हैं, जो आपका ए और बी है इसका डिस्टेंस तो ऐसे ही रख लो,
क्योंकि इसके में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो अभी हम आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे हटा सकते हैं। यहां पे ये कह रहे हैं कि जब f जो आएगा वो यहां पर कहीं आएगा, f जो आएगा वो कहां आएगा, यहां पर आएगा, तभी जो e है वो इसकी ईस्ट में चला जाएगा। अब f यहां आने के लिए जो d है वो भी यहीं पर आना चाहिए, यहां पर कहीं आना चाहिए, क्योंकि d और f का जो रिलेशन है वो कैसे है कि d जो है वो f की नॉर्थ में है, और f की नॉर्थ में है यानी कि c एंड d का रिलेशन किस तरीके से बनेगा कि ये वाली जो लेंथ है आपकी a और b वाली, उसकी लेंथ जो है वो c एंड d से बड़ी होगी। तो c एंड d की लेंथ कितनी है, 4 मीटर और 9 मीटर। मान लो अगर यहां पे a और b का हम लोग डिस्टेंस 3 रखते हैं, तो c और d का डिस्टेंस जब 4 और 9 मीटर है तो फिर ये तो आगे निकल जाएगा ना ए और बी से, और जब ये आगे निकल जाएगा तो एफ जब यहां पर आ जाएगा तो एफ ई की ईस्ट में हो जाएगा, ना कि ई एफ की ईस्ट में होगा। इस वजह से यहां पे जो आपका ये जो डिस्टेंस है आपका ए एंड बी के बीच में, ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। और जैसे ही 8 मीटर होगा, हमें सी और डी का 8 से कम चाहिए, इस वजह से यहां पर सी और डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पर 4 मीटर हो जाएगा, राइट। तो ये यहां पे कंफर्म हो जाएगा। एंड 4 मीटर होने के संग डी और एफ का डिस्टेंस यहां पे कितना रहना चाहिए, देखो डी और एफ का डिस्टेंस हम किससे फाइंड करेंगे, ए और सी, बी और ई से, ओके। क्योंकि यहां पे जो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस है ये मैच होना चाहिए। कैसे मैच होना चाहिए कि ए से लेके एफ तक एक सी लाइन होनी चाहिए, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, ए और एफ का इज इक्वल टू बी इज इक्वल बी एंड ई, मतलब ए और एफ इज इक्वल टू बी ई। जो ये वाले जो लेंथ है ये जो है ये इक्वल होनी चाहिए किसके, बी और ई के, तभी जो ई है वो एफ के ईस्ट में आएगा। अब इक्वल कैसे हो सकती है, यहां पे डी और एफ के बारे में ये कहा गया है कि डी और एफ को या तो 1 मिलेगा या फिर 6 मिलेगा। तो मान लो यहां पे हमने ए और सी को कितना दिया, 3 दिया। अब हम इसको 3 देंगे तो हमें बी और ई को कितना देना है, 4 देना है, क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए। और जब हम इसको 4 देंगे और इसको 3 देंगे तो डी और एफ को हमें बी और ई के इक्वल करने के लिए कितना करना पड़ेगा, यहां पर 1 ऐड करना पड़ेगा। तभी आप देखेंगे डी और एफ को अगर हम यहां पर यानी कि जो आपका ए और सी का डिस्टेंस है इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, और बी और ई इज इक्वल टू 4। यानी कि आप देख सकते हैं अगर हम इसमें 3 लें और इसमें 4 लें और ये 1 लें तो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर हम ए और सी का डिस्टेंस 8 ले लें और 8 लेने के साथ हम लोग बी और ई का डिस्टेंस कितना ले लें, यहां पर 6 ले लें, ओके। ए और सी का कितना ले लें, हम यहां पे 8 ले लें, और बी का हम यहां पे कितना ले लें, 9 ले लें। तो बी का जब ए का जब हम 8 लेंगे और बी का जब हम 9 लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पे अगेन जो डी और एफ का जो डिस्टेंस है वो कितना बन सकता है, आपका 1 बन सकता है। अब देखते हैं कि 6 कैसे बन सकता है। ये देखो मान लो आपका ये कितना है, ए 3 मीटर है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि बी जो है वो 4 मीटर ही होना चाहिए, ये आपका 9 मीटर भी हो सकता है, तब भी बी और ई लंबा हो जाएगा। अगर ये 9 मीटर होता है तो आप देखेंगे इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे डी और एफ को 6 मीटर रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमें यहां पे 1 मीटर का भी यूज कर सकते हैं, 6 मीटर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंफर्म नहीं है कि ए और सी का कितना डिस्टेंस है और बी और ई का कितना डिस्टेंस है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से यहां पर बनकर आएगा। आगे मैंने इसका फेयर डायग्राम दिखाया है और इसे क्वेश्चन को हम लोग आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो यहां पे है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड डी इज 8 मीटर, पी डॉलर डी, पी जो है वो डॉलर यानी कि डॉलर, देखते हैं कहां पे डॉलर, ये है यानी कि नॉर्थ में है, तो पी जो है वो कैसे है, इसकी नॉर्थ में है, ओके। और ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका 8 मीटर का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका 8 मीटर का डिस्टेंस है। फिर कह रहे हैं पी परसेंटेज बी, पी परसेंटेज बी मतलब पी जो है वो कैसे है, वेस्ट में है बी के, तो पी जो है वो वेस्ट में है बी के, यानी कि ये किसकी लाइन में होगा, आपकी बी वाई लाइन में होगा। मतलब जो पी है वो इस तरीके से जब आएगा तो यहां पर वो कहीं स्टॉप करेगा पी, एंड यहां पे जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, 8 मीटर होगा पी एंड डी के बीच में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड बी, तो आपको पी और बी का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। सो इट्स वेरी इजी, इससे इस डायग्राम को बनाने के बाद आप पी और बी का भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, एफ और ई का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, डी एंड बी का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। क्योंकि यहां पे देखोगे ये 8 मीटर इन्होंने बोल दिया, आप यहां से पी और बी का डिस्टेंस निकाल लोगे तो आप जो यहां पे डी और बी है इसका भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ओके। तो मैंने बता दिया है कि मतलब इस वाली लाइन के होने से ये कंडीशन में आप कौन कौन से आंसर निकाल सकते हो। लेकिन यहां पे क्या पूछा है इन्होंने, यहां पे पूछा है कि पी एंड बी का आप डिस्टेंस बताइए, तो पी एंड बी का डिस्टेंस कितना है, टोटल कितना है, ये टोटल है 8,
ए से लेकर बी तक, सी से लेकर कितना है, सी से लेकर डी तक कितना है यहाँ पे चार, तो ए आठ में से चार माइनस करो तो कितना आ जाएगा चार, यानी कि बी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पे आपका चार, तो यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट एल एट द रेट प्लस, एल एट द रेट प्लस मतलब एट द रेट मतलब साउथ में है, प्लस मतलब यहां पे हो गया तीन और आठ मीटर, तो एल जो है वो आपका साउथ में है किसके, ए के, या तो तीन मीटर या फिर आठ मीटर। ओके तो इसको हम लिख लेंगे एल को या तो तीन मीटर या फिर आठ मीटर। एंड एल डॉलर सी, एल जो है डॉलर सी मतलब नॉर्थ में है सी के, तो एल जो जब नॉर्थ में है सी के तो एल जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, एंड ऊपर की तरफ आएगा तो हमें इसका डिस्टेंस भी यहाँ पे फाइन करना पड़ेगा, और इन्होंने ये भी कहा है कि L और C का ही डिस्टेंस इन्होंने यहाँ पे पूछा है। अब देखो कैसे फाइन कर सकते हैं, मान लो A और C का जो डिस्टेंस है वो हमने एक जगह रखा है तीन मीटर, ओके ये हो गया A और ये हो गया C, और एक कंडीशन में हमने इसका डिस्टेंस रखा A एंड C का यहाँ पे आठ मीटर, क्योंकि यही दो डिस्टेंस है जो हम इसे दे सकते हैं, तो एक में हमने सी, A और C में तीन मीटर रखा, दूसरे में हमने A एंड C में आठ मीटर रखा। अब A और L के बीच में क्या रिलेशन है कि या तो ये तीन मीटर या फिर आठ मीटर इसकी साउथ में है, ओके तो साउथ में है, तो मान लो अगर ये तीन मीटर साउथ में आता है तो सी जो है और जो एल है उसका रिलेशन क्या आएगा, दोनों साथ साथ हो जाएंगे यहाँ पे अगर तीन मीटर लेते हैं, और अगर आठ मीटर में हम लोग एल को लेकर जाते हैं तो वो नीचे चला जाएगा, जबकि जो एल है वो सी के कैसा होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए, तो नॉर्थ में होने की वजह से ये वाली जो कंडीशन है कट जाएगी। ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे आठ होगा। अब जो इनके बीच में डिस्टेंस है ए और एल के बीच में, या तो तीन होगा या फिर आठ होगा, तो आठ नहीं हो सकता, आठ होगा तो दोनों सेम हो जाएंगे आपका एल एंड सी, यानी एल कम होना चाहिए, इस वजह से जो एल का डिस्टेंस है वो कितना होगा यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग तीन होगा। अब ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीन मीटर होगा, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर एल होगा, तो यहाँ पे ए, एल और सी इसका डिस्टेंस निकालो, तो एल और सी का डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस ए टू सी कितना है आपका आठ, ए से लेके एल तक कितना है तीन, तो एल से लेके सी तक कितना होगा आपका फाइव, एट में से थ्री को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइव, तो ऑप्शन नंबर फाइव होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, मतलब फाइव मीटर होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके सो पीछे मैंने काफी अच्छे क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब एक अच्छा क्वेश्चन आप करिए, और इसके बाद एक इजी क्वेश्चन रखा है उसको भी आप ही करेंगे, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और एक बात ध्यान रखिएगा सब जगह इफ गिवन है, तो कभी भी ये मत मानना कि पीछे वाले जो आपकी क्वेश्चन था उसमें पी यहां पर, ये यहां पर गिवन था, तो यानी कि पी और डी का जो मीटर है वो आठ है, तो वो उस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में बिल्कुल ही फॉलो मत करना, क्योंकि हर क्वेश्चन में इफ लगा है, हर क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई है, राइट। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी यहां पर आप लोग करिए, और करने के बाद नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका भी यहां पर आप आंसर बताएंगे। यहाँ पे जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को व्यू कर सकते हैं जो आरआरबी की क्लासेस हैं उन्हें, एंड यहाँ पे जाके आप एसबीआई मेंस की क्लासेस को देख सकते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है उसे बूस्ट कर सकते हैं, एंड इसी के संग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको अपडेट रेगुलर मिलते रहें, एंड कोई भी क्वायरी है तो उसे caffreasoning@yahoo.com पर आप मेल करके पूछ सकते हैं। बने रहिए करंट अफेयर्स फंडा पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।